हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रघुनंदन भगवान श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि भगवान को नमन करते हुए हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम हिंदू महासभा की ओर से हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज इस अमृत वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सीता जयंती के विषय में कुछ संवाद करें। दर्शकगण, आप सभी जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में यानी चैत्र नवरात्रि में हम रामचंद्र जी की जन्म उत्सव मनाते हैं, यानी चैत्र मास के शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम की जन्म उत्सव मनाया जाता है और उस दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी चारों भाइयों की प्राकृत्य हम लोग साथ में मनाते हैं। फिर उसके पश्चात चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी की जन्म उत्सव मनाया जाता है और यदि हम इस पूरे समागम को देखें जिसको हम राम पंचायतन कहते हैं, इन राम पंचायतन में जो शेष रह जाते हैं वह है सीता जी। कहने का अभिप्राय मेरा ये, आप सभी जब मंदिर जाते हैं दर्शन करने हेतु तो राम जी के दरबार में राम जी की मूर्ति के सामने राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी विराजमान होते हैं, जिनमें से राम लक्ष्मण और हनुमान जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा देखने को मिलता है कि सीता जयंती जब यह पर्व आते हैं तो लोग उतने ही धूमधाम उतने ही उल्लास से नहीं मनाते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवती सीता माता के माध्यम से ही हम श्री रामचंद्र जी तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा भी जब अवतार लेते हैं तो अपनी शक्ति के बिना वो अपने अवतार के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके। श्री राम कथा के माध्यम से चले, यदि सीता जी नहीं होते तो शायद राम अवतार का जो मुख्य उद्देश्य था रावण का उद्धार करना वो संभव नहीं होते। इसलिए श्री राम जी की अलादिनी शक्ति के रूप में भगवती सीता माता उत्पन्न हुई और हम भक्तों को चाहिए कि हम बड़े धूमधाम के साथ बड़े उल्लास के साथ उतने ही हम लोग मनाएं सीता जी की जयंती जितने धूमधाम से हम श्री राम जी की जन्म उत्सव मनाते हैं। और व्यक्तिगत रूप मैं मानूं भी और आप मेरे से सहमत होंगे भी कि जब भगवान राम जैसे कहें यह देखें कि हम सीता जी की जयंती मना रहे हैं यानी उनके प्रिय उनकी वल्लभा उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं तो राम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होंगे। इसलिए हम सदैव निवेदन करते हैं कि सीता जयंती को भी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वैसे सीता जयंती वैशाख मास के शुक्ल नवमी को मनाया जाता है और इस साल जो है 2024 में 2024 में शुक्ल नवमी वैशाख मास के वह पड़ेगा 16 मई को। लेकिन दर्शकगण, मेरा एक व्यक्तिगत मान्यता यह भी है कि हम जिस विधान से राम जी के जन्मोत्सव मनाते हैं उसी विधान से हमें सीता जी की जयंती मनानी चाहिए। कहने का अभिप्राय मेरा ये कि आप सभी जानते हैं कि राम जी की जन्मोत्सव मनाने से पहले हम लोग चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से अपना पूजा आरंभ करते हैं जिसको चैत्र नवरात्रि या फिर राम नवरात्रि कहते हैं। उस दिन पहले दिन कलश स्थापना करके प्रतिदिन राम जी की गाथा गाते हैं, प्रतिदिन राम जी की पूजा करते हैं, तब नौवें दिन हम लोग राम जी की जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं मानूं
कि सीता जी की जयंती भी हमें उसी नियम से मनाना चाहिए, अर्थात वैशाख मास के शुक्ल प्रतिपदा से हम लोग सीता जी की विशेष पूजा करना आरंभ करें। उस दिन कलश स्थापना आदि करके प्रतिदिन 9 दिनों तक सीता माता के कथा सुने, सीता माता के कथा गाएं, सीता माता के विशेष पूजा करें और आखिरी में नवमी के दिन तब सीता जयंती धूमधाम से मनाएं। इस विधान को, इस विधि को मैं व्यक्तिगत रूप से सीता नवरात्रि भी कहता हूँ। जिस प्रकार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक राम नवरात्रि चलते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास के शुक्ल प्रतिपदा से वैशाख मास के शुक्ल नवमी तक इन 9 दिनों को मैं सीता नवरात्रि के रूप में मनाने की निवेदन करता हूँ। अब आप सबों से प्रार्थना करें कि आप सभी लोग सीता जी की जयंती यदि हो सके तो इसी विधान से मनाएं। और यदि हम अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वैशाख शुक्ल प्रतिपदा जो है वह 9 मई को आरंभ होंगे और सीता जयंती 16 मई को मनाया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि 9 मई से लेकर के 16 मई तक, 9 मई से लेकर के 16 मई तक यह जो 9 दिन का अवधि है तिथि अनुसार, इसको हम सीता नवरात्रि के रूप में मनाएं। प्रतिदिन सीता जी की विशेष पूजा करें। यदि आप कलश स्थापना आदि कर सकते हैं जैसे दुर्गा पूजा या रामनवमी में हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि नहीं हो सकते तो कम से कम अपने पूजा स्थल पर ही सीताराम जी के एक चित्र या मूर्ति स्थापित करके प्रतिदिन इनकी पूजा करें। और विशेष रूप से जैसे हम सब जानते हैं कि सीता माता भूमिजा कहलाती है, यानी वह भूमि की पुत्री है, भूमि से उत्पन्न हुई, धरती की देवी, धरती देवी की पुत्री मानी जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम सीता जी की विशेष पूजा करते हैं सो हम धरती की भी पूजा करें। इसी कारण से जैसे हम लोग चैत्र नवरात्रि या आश्विन नवरात्रि के प्रतिदिन प्रतिपदा के दिन हम लोग जौ रोपते हैं, उसी प्रकार सीता नवरात्रि में भी आप ऐसा विधान निभा सकते हैं। अपने पूजा घर में ही एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा मिट्टी भर करके उस पे जौ की 1-2 दाना आप रोप दीजिए प्रतिपदा के दिन, और जिस दिन सीता नवमी होगी भगवती सीता माता की कृपा से वह अनाज फूल जाएगी, वह पक जाएगी जैसे कहे, तब उसको हम अपने घर के भंडारा में रखें सीता जी की रसोई के प्रतीक में। और प्रतिदिन सीता जी की आरती करें, प्रतिदिन सीता जी के गुण गाएं, रामचरितमानस का पाठ करें। वैसे आप रामचरितमानस के किसी भी कांड का आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यदि आप चाहें तो रामचरितमानस के बालकांड में जो सीता जी की विवाह प्रसंग लिखे गए हैं उसका हम पाठ कर सकते हैं, नहीं तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं जहां पर सीता जी की भी वर्णन बड़े विस्तार से तुलसीदास जी ने किया। नहीं तो फिर यह भी निवेदन करता हूं कि तुलसीदास जी का एक छोटा सा ग्रंथ आता है जिसको जानकी मंगल कहते हैं। ग्रंथ का नाम है, एक छोटी सी पुस्तिका है, ज्यादा नहीं, उसमें करीब करीब 100 दोहा है, उसका नाम है जानकी मंगल। आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दोहा का पाठ करते हुए, थोड़ी थोड़ी चौपायों का पाठ करते हुए पूरे 9 दिनों तक आप जानकी मंगल का पाठ कर सकते हैं, जो तुलसीदास जी ने भगवती सीता माता के निमित्त इनकी रचना की है। और रोज सीता जी की पूजा करें, तब नवमी के दिन यानी सीता जयंती के दिन आप सीता जी की विशेष पूजा करें, माँ भगवती को विशेष भोग अर्पण करें, इनके नाम पूजन करें, इनकी आरती करें और श्री सीताराम जी के राम धुन का पाठ करते हुए संकीर्तन आदि करें। मान्यता यह है कि जो सीता जी की पूजा करते हैं उनकी सौभाग्यवती बनी रहते हैं, और साथ में यह भी कहा गया है कि सीता और राम जी की साथ में पूजन करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पति पत्नी का संबंध है वो और भी गहरा हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारे परंपरा में यह भी है कि लड़कियां के विवाह से पूर्व हम इनसे गौरी की पूजा करवाती है, ताकि गौरी माँ की कृपा से जब इनकी विवाह का समय आते हैं तो इनको योग्य वर मिले। और यह परंपरा सीता जी ने प्रारंभ किया, राम जी से विवाह करने से पूर्व सीता जी गौरी माँ की पूजा करती थी और उसी परंपरा को हम आज भी निभाते हैं। सो इसलिए यदि कुंवारी लड़कियां भी सीता जी की पूजा करें तो सीता जी की कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से
कुंवारी लड़कियां भी भगवान राम के जैसे ही कोई योग्य वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूं कि हम सब मिलकर के बड़े धूमधाम से जैसे रामनवमी मनाया गया, हनुमान जयंती मनाए गए, उसी प्रकार हम सीता जयंती भी मनाएं। सीता जी की कृपा रही, सीता जी की आशीर्वाद रही, तो अवश्य ही हम भगवान राम की प्राप्ति कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इन विचारों पर अमल करेंगे और इस सीता नवरात्रि को आप बड़े धूमधाम से मनाएं। भगवती सीता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। आपके ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री श्री सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।